हे गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत आप सभी का माय स्टडी रोज यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बूस्टर सीरीज को कंटिन्यू, और इसका ये है पार्ट थ्री। पार्ट दो तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिल जाएगा, या चैनल पर डायरेक्टली जाके भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश बूस्टर सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अभी तक पढ़ ली होंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, पढ़ पढ़ के बोर भी हो गए होंगे, तो बस अब कुछ मत कीजिए, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम जो है अभी तो आपका नहीं होने वाला है, काफ़ी डिले अभी होगा एग्ज़ाम में, तो बस आपको कंटिन्यूसली कैसे भी तैयारी करते रहना है। दोनों एग्ज़ाम साथ होंगे या नहीं होंगे अभी भी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसी कोई सूचना होती है तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में आप सभी लोगों के लिए क्या खास है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ये एरर से रिलेटेड है, और इसमें देखिए आपके पास में इसमें पैसेज भी मैंने इंक्लूड किया है, और उसको भी मैं लास्ट में सोल्व करवाऊंगा, तो आप लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, चूज द रॉन्ग पोजिशन ऑफ इफ एनी इफ यू फाइंड द सेंटेंस करेक्ट विद डी एज योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है एरर फाइंड करना है, अगर आपका कोई एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो देखिए, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द ऑफिस विदाउट अप्लाइंग फॉर द लीव, या नो एरर। तो एक प्रैक्टिस सेट है, आप वीडियो को पॉज करके या सोच सकते हैं, या आप मेरे साथ साथ में भी जरूर सोल्व कर सकते हैं। देखो गाइस, इसमें जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अब ये कैसे होगा, अब यहाँ पे आपको पता है कि एरर होगा तो फिर इसी पार्ट में है, ही एब्सेंट फ्रॉम। यहाँ पे जो आप प्रीपोजिशन देख रहे हैं फ्रॉम, ये नहीं होगा यहाँ पे यूज। इस फ्रॉम की जगह पे आपको क्या यूज करना है, इसकी जगह पे आपको इन यूज करना है। ठीक है, ही एब्सेंट इन द ऑफिस, वह ऑफिस में अनुपस्थित था बिना लीव के अप्लाई किए हुए है, तो ये इसका जो है सही आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको वन वर्ड बताना है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसी टाइम जो सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड वाला वर्ड है। देखिए वर्ड क्या बोलता है, ए डिजीज विच सेपरेट बाई कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है वो भी कॉन्टैक्ट से फैलता है, तो ये इसके बारे में वन वर्ड क्या होगा, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब आपके पास में क्या होता है, महामारी। तो महामारी जो है वो किसी और रीजन से भी हो सकती है, कॉन्टेक्ट से जरूरी नहीं है फैले, तो महामारी एक अलग वर्ड है, तो ये नहीं होगा। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस का मतलब होता है संक्रामक। ठीक है, और यहाँ पे एक और वर्ड आपके पास दिया गया है, कॉन्टेजियस। ठीक है, इसका मतलब भी आपके पास में क्या होता है, संक्रामक। तो संक्रामक जो बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, तो संक्रामक जो बीमारियाँ होती है वो कॉन्टेक्ट से, स्पर्श करने से फैलती हैं, छूने से फैलती हैं। एलर्जी तो आपको पता है, एलर्जी कुछ एलर्जीज ऐसी होती हैं जो छूने से फैलती भी हैं, कुछ नहीं भी फैलती हैं, तो जरूरी नहीं है एलर्जी वर्ड हो। अब यहाँ पे दोनों वर्ड है, इन्फेक्शियस यानी कि संक्रामक और कॉन्टेजियस, तो ऐसे केसेस में आपको जो है इसको ही सही मानना है। ठीक है, जो कॉन्टेक्ट से फैलता है, अब इन्फेक्शियस वर्ड जो है ये कॉन्टेक्ट से फैलता भी है, नहीं भी फैलता है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर वर्ड ये आ जाता है कॉन्टेजियस, तो ये आपको 100% सही यही मानना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो सही आपको इनडायरेक्ट बताएंगे। डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम लेट, माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम लेट, तो ये क्या है आपके पास में, डायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए माई फ्रेंड सेड, अब देखिए जो माई फ्रेंड सेड है इसको हम टोल्ड में बदलेंगे, तो सेड तो रहेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो यहाँ पे टोल्ड दो वर्ड में दिया गया, तो ये दो खत्म हो गए। ठीक है, अब टोल्ड मी यहाँ तक दोनों में सेम है, दैट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा देंगे, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आई है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को डिनोट कर रहे हैं तो वो ही से डिनोट करेंगे, तो ही वॉज लेट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आपके लिए जो है सिमिलर इन मीनिंग आपको बताना है। सिमिलर इन मीनिंग का मतलब आपको जो है सिनोनियम इसका वर्ड बताना है। देखिए वर्ड क्या है आपके पास में, इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट वर्ड जो है आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार इसका मतलब भी समझा होगा, आपको पता भी होगा मनोरंजन इसका जो है मतलब होता है। तो मनोरंजन मतलब ये आपका है। अब इसमें आपको जो है पहला वर्ड आप यहाँ पे देखिए, जो वर्ड है एम्यूजमेंट, ठीक है, इसका मतलब खुशी होता है, और प्लेजर जो है इसका मतलब भी होता है खुशी। ठीक है, तो ये हो गया खुशी। अब यहाँ पे देखिए डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज से भटक जाना, डाइवर्ट हो जाना। ठीक है, ये समझ गया होंगे आप। अब देखिए रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब भी मनोरंजन होता है, आपको याद रख लेना है।
तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको सिमिलर वर्ड बताना था। तो मनोरंजन इसका मतलब होता है रिक्रिएशन, याद रखिएगा आज से ये वर्ड और आपको जो है आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखिए, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड से आपसे पूछा गया है। ओके, सो अपोजिट में आप देखें यहाँ पे, तो ये बोल्ड लेटर में आपके लिए दिया गया है, ट्रेंक्विल आपके पास में जो है वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है आपके पास में, शांत। ठीक है, तो आपको अपोजिट बताना है, अपोजिट होता है डिस्टर्ब। अगर आप डिस्टर्ब हैं मतलब शांत नहीं है, परेशान है, ठीक है, इसका मतलब होता है परेशान। अपोजिट पूछा था तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग का मतलब आप सभी को पता है गतिशील होता है, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, ठीक है, एक्टिव का मतलब सक्रिय। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में सारे वर्ड मैंने बता दिए, तो अब इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, परेशान। ठीक है, इसका अपोजिट पूछा था, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत और यहाँ पे वर्ड है डिस्टर्ब, तो इसका मतलब हो जाएगा परेशान। अगला वर्ड देखिए, चूज द मिस स्प्लेट वर्ड, यानी कि गलत कौन सा है। देखिए यहाँ पे देखिए मोनार्क वर्ड दिया गया है, इसका स्पेलिंग देखिए, मॉनिटर का वर्ड दिया गया है, मसल का वर्ड दिया गया है, टोमेटो दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड आपके पास में दिखेंगे टोमेटो, आप सभी लोगों ने बहुत बार इसे यूज किया होगा, ये वर्ड ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टी ओ एम ए टी ओ, ये वर्ड इस तरह से होता है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत मार्क किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास में आया है, रिमूव टू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसमें से ट्रू ट्रू को आपको हटाना है। तो देखिए जब भी आप इस ट्रू को हटाते हैं तो आपको पता है कि इसे सो दैट में बदल दिया जाता है। ओके, देखिए द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू, तो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए द न्यूज है, अब यहाँ तक तो आपको सेम करना है, द न्यूज इज, अब ये जो ट्रू वर्ड है इसकी जगह पे आपको सो वर्ड लगा देना है। ठीक है, और बाकी सेम लिखना है, सो गुड, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने। अब ये जो टू अगेन आया है इसकी जगह पे आपको दैट लगा देना है, मैंने आपको कहा इसकी दोनों की जगह सो दैट लगा देना है। और यहाँ पे देखिए आगे जो चेंज करना है, बी ट्रू जो है तो यहाँ पे इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वर्ड हो जाएगा इट कैन नॉट बी ट्रू, तो जो न्यूज है वह बहुत अच्छी है, दैट ही है सच्चे नहीं है, सच नहीं हो सकती। ठीक है, न्यूज जो है इतनी अच्छी है कि ये हो ही नहीं सकता, इस तरह से आप समझिए। जैसे अभी आपको कुछ ऐसा सूचना दिया जाए कि कुछ भी आप ऐसा सोचिए जो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं सोच सकते, तो आप वो न्यूज ऐसे सोचेंगे यार ये तो सच हो ही नहीं सकता, ऐसी न्यूज कैसे हो सकती है, तो इस तरह से सेंटेंस में बोला गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और सचिन सर ने बताया भी था आपको, वीडियो भी बनाया था, तो आप वहां पे जाके और भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखिए, चेंज द नरेशन। अब देखिए मोहिनी सेड टू मी ट्रस्ट इन गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में दिया गया है मोहिनी सेड टू मी, अब यहाँ पे देखिए सभी वर्ड जगह पे यहाँ पे एडवाइज दिया गया है, एडवाइज जो वर्ड है यहाँ पे आपके पास में सभी में सेम है, एडवाइज मी। अब यहाँ पे आगे जो वर्ड है आपके पास में देखिए एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ट्रस्ट इन गॉड। ठीक है, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, ऐसे जो वर्ड होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट में हो या इनडायरेक्ट में हो, कहीं पे भी हो वो सेम ऐसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एडवाइज मी दैट, अब देखिए आई शुड ट्रस्ट इन गॉड तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, शुड ट्रस्ट बी गॉड ये भी नहीं हो सकता, एडवाइज मी ट्रस्ट इन गॉड ये बिल्कुल सीधा ऐसे कैसे लिखना है, एडवाइज मी ट्रस्ट इन गॉड, कुछ भी नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और एक मिनट ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रीपोजिशन भी है तो इसको भी आपको यूज करना है, सी नहीं होगा इसका आंसर, डी होगा। ठीक है, मोहिनी एडवाइज मी टू ट्रस्ट इन गॉड। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, लेकिन कुछ नया नहीं जोड़ना है आपको, ये चीज ध्यान रखना है, और ना ही इसके जो है फॉर्म जो है ट्रस्ट इन गॉड है, तो बस ऐसे ही ऐसे लिखना है, तो ये आपको जो है इसमें ट्रस्ट इन गॉड इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस का कोई रोल नहीं होता है, वो जो है आपका प्रेजेंट सिंपल में होता है और उसको वैसे ही रखना होता है, आपको कोई चेंज नहीं करना होता है, तो डी इसका आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखिए, चेंज इनटू इंटरोगेटिव फॉर्म। देखिए इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक आपको बनाना है इसका, देखिए क्या बोल रहा है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पर नहीं उगता, इसका मतलब यह होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसको जो है क्या करना है, आपको इंटरोगेटिव बनाना है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखिए इसमें वर्ब कौन सा है, डज दिया गया है, तो आपको जो है यही वर्ब जो है इंटरोगेटिव के लिए यूज करना है। अब वो फिर डिपेंड करता है कि आप डू आएगा या डज आएगा, वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मनी है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है मतलब सिमिलर है, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, तो डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ना इज करना है, ना वाज करना है, ना डीड करना है, तो सिंपली आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक सवाल आपका जो है इस तरीके का पूछा जाना ही है कि एडजेक्टिव ऑफ सर्कल, ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म आपको बताना है। तो सर्कल का मतलब क्या होता है, ठीक है, गोला आपने पढ़ा होगा। अब इसका एडजेक्टिव फॉर्म तो देखिए यहाँ पे आपके पास में, मैंने आप जब भी बताता हूँ ये क्या है, नाउन है, इसको वर्ड से सवाल कीजिए, क्या है, गोला है, आपको जवाब मिल रहा है। अब इसको आप ऐसे पूछे कैसा है, तो गोला है, गोला कैसा है, ऐसा थोड़ी ना पता चल रहा है। तो आप इसको कैसे, हाउ से सवाल करेंगे तो आपको जो है जवाब मिलेगा एडजेक्टिव फॉर्म में। तो कैसा है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास में दिया गया है सर्क्यूलर, गोलाकार है, ठीक है, तो ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, कैसा है, गोलाकार है, ठीक है, तो ये आपको जवाब मिलेगा और इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं ये एडजेक्टिव है, ठीक है। मोर सर्कुलर, सर्कल और सर्कुलर ये नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना सर्कुलर इसका आंसर हो जाएगा, गोलाकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स है विद द वर्ड गिवन बिलो, ही मीन्स ब्लैंक एम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्ड इसका मतलब समझिएगा, तो यहाँ पे इज होगा या आर होगा ये आपके लिए डिपेंड करता है, तो इसका सही आंसर होगा आर, ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर होगा आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपके पास में जो होता है उसके जो साधन है वो पर्याप्त है, इसका मतलब ये होता है उसके साधन जो एम्पल जो है, इसका मतलब क्या होता है, या तो पर्याप्त या प्रचुर, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो जो मीन्स का मतलब यहाँ पे जो है साधन से, ठीक है, जो उसके साधन हैं वो कैसे हैं, पर्याप्त है, तो देखिए मीन्स है यहाँ पे, तो आर यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, अब अगला सवाल देखिए, चूज द वर्ड विच इन इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग, गिस्ट, गिस्ट का मतलब क्या होता है, सार होता है। अब नियरली वर्ड मतलब सिमिलर बताना है, तो देखिए सीधा दिख रहा है समरी, समरी का मतलब क्या होता है, सारांश, ठीक है, तो समरी आप लिखते हैं ना तो उसका मतलब होता है सारांश, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लिफ्ट जो आपके पास में वर्ड है, और भी जो वर्ड है, एक्सपेंडेशन, एक्सप्लोरेशन, तो ये आपके पास में जो वर्ड है इनका मतलब होता है विस्तार से, या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इसका जो मतलब आपको पता करना था वो समरी से है। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ द प्री कॉन्सेप्शन, ठीक है, तो ये आपके पास में वर्ड है प्री कॉन्सेप्शन, इसका मतलब क्या होता है, पूर्वग्रह, मतलब पूर्व अनुमान लगा लेना, इस तरीके से वर्ड है, इसका मतलब आपको बताना है, सिनोनियम बताना है। तो देखिए अजम्पशन आपके पास में वर्ड दिया गया है, क्या दिया गया है, अजम्पशन। अब अजम्पशन का मतलब भी यही होता है जो आपके पास में प्री कॉन्सेप्शन का होता है। अब सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, निश्चित से होता है, ठीक है, निश्चित, और ट्रथ आपको पता ही है, सच होता है, फैक्ट का मतलब तथ्य होता है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अजम्पशन आपको वर्ड याद रखना है, और इसका जो सेम मीनिंग होता है प्री कॉन्सेप्शन भी होता है, यह ध्यान रखेगा। प्री का मतलब देखिए जो वर्ड है पहले का, कॉन्सेप्शन मतलब कोई भी तथ्य है उसको पहले का ही पूर्वानुमान आप इस तरह से आप मान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आपके लिए जो है कंजंक्शन से है, यूज द सुटेबल कंजंक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको पहले कंजंक्शन लगाना है, फिर देखिए यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो आपने बहुत बार सुना होगा ये सेंटेंस, आपको पता भी होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो यहाँ पे इसका वर्ड यूज होगा इफ, याद रखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन नया कुछ नहीं है, आपको समझना है। देखिए इज यहाँ पे जो है डांसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो आपके पास सेंटेंस दिया गया, इसमें जो डांस है वो क्या है, सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट का पार्ट है या प्रेडिकेट का पार्ट है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट तो आपने सबने सुना होगा, तो प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी बताता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे प्रेडिकेट के रूप में होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं सेंटेंस को, सेंटेंस है देखिए, दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल डांसेस, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, डांस कर रही है, ये जो छोटी सी सुंदर सी और इंटेलिजेंट लड़की है ये क्या कर रही है, डांस कर रही है, तो ये क्या बता रहा है, यहाँ तक तो देखिए सब्जेक्ट ही है जो ये लड़की के बारे में बता रहा है कि ये लड़की क्या है, सुंदर है, छोटी सी है और इंटेलिजेंट है, तो ये कर क्या रही है, ये तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, प्रेडिकेट क्या बता रहा है इसका, कि ये डांस कर रही है, तो ये इसका क्या है, प्रेडिकेट है, याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगला सवाल देखिए थोड़ा सा हटके सवाल है, और यहाँ पे आपको सोचना है, देखिए हटके तो कुछ नहीं है लेकिन समझना है यहाँ पे, देखिए देखिए पुट द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच आपने पढ़ा होगा, देखिए आप क्या करते हैं कि जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा होगा कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो जो रिपोर्टेड वर्ब के बाद में जो स्पीच आता है उसके बारे में बोला गया है कि ही विजिटेड मी टू डेज बैक एंड सेड आई हैव टू गो बैक टुमारो, अब देखिए यहाँ पे ही विजिट मी टू डेज बैक एंड सेड दैट, अब यहाँ पे जो आई है, आई क्या है यहाँ पे आपके पास में, फर्स्ट पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बदलता है,
तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, ठीक है। विजिट किसने किया था, उसने विजिट किया था, तो ही के अनुसार आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ही यूज करेंगे। कोई मैन ही विजिट किया होगा, यहाँ पे आई यूज हुआ है, तो आई के स्थान पे आपको ही यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है, ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा है कि ये क्या है, लेकिन आपको यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है चेंजेस पूछ रहा है, तो आपको पता ही होगा ये सिंपल सा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपका आर्टिकल से है, क्या बोलता है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो आपको ये आर्टिकल लगा हुआ है, इसकी जगह पे यही आर्टिकल रहेगा या कुछ और लगेगा, आपको ये सोचना है। द बिजनेस मैन अर्न अंस 10,000 पर मंथ, ठीक है, ये पर मंथ तो नहीं लिखा है लेकिन मंथ यहाँ पे लिखा गया है। द बिजनेस मैन अर्न्स, देखिए यहाँ पे द लगा हुआ है, अगर सेंटेंस में कुछ और बातें लिखी हुई होती, जैसे 10-15 बिजनेसमैन के बारे में बताता और कुछ एक स्पेशल बिजनेसमैन होता, तो उसको अलग दिखाने के लिए, हम डेफिनेट बनाने के लिए उसको द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये जो है डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन सा बिजनेसमैन है, क्या करता है, तो यहाँ पे हम इसका स्थान पे ए का यूज करेंगे, ए बिजनेसमैन अर्न आरएस 10,000, ठीक है। तो ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर डेफिनेट होता है तब आपको द आर्टिकल यूज करना है, अगर डेफिनेट नहीं है तो ए और एन में से आपको यूज करना है। देखिए बिजनेसमैन मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है, देखिए आप हिंदी में लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखिए इसका, तो बिज इस तरह से यूज होगा, तो ये आपके पास में इसका जो है ध्वनि कैसी आ रही है, कॉन्सोनेंट वाली आ रही है, व्यंजन वाली आ रही है, ठीक है, तो ये आपके पास ए यूज होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब आगे के जो सवाल हैं 18 से 20 तक, तीन सवाल ये आपको जो है पैसेज से दिए गए हैं, तो हम पैसेज को फटाफट से पढ़ते हैं और लैंग्वेज को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेनली आपके पास में जितना वर्ड पावर होगा आप उतना ही कनेक्ट कर पाएंगे पैसेज के साथ में, उतना ही समझ पाएंगे और उतना ही इसे सोल्व कर पाएंगे। देखिए लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले जो है, देयर लिव्ड इन, देखिए भागड़, ठीक है, भागड़ में जो है ए वेरी रिच मैन रहता था, उसका नाम था सिंधबाद, ठीक है, एक बहुत पहले की बात है, इसमें सिंधबाद नाम का लड़का रहता था। ही वॉज फेमस सेलर, वो क्या था, एक सेलर था। सेलर आप सभी को पता है, जैसे AASSR में होता है सेलर की पोस्ट होती है वो, ठीक है, जो नेवी में काम करते हैं, ठीक है। हु सेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या करता था, पूरे जो है दुनिया के अंदर बेचता था, ठीक है, सेल करता था, कुछ बेचता होगा सामान। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही वॉज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी मीन्स, ठीक है, उसके जो है साधारण मतलब थे स्टार्टिंग के अंदर, मतलब उसका जो है बहुत बड़ा बिजनेस का कोई इरादा नहीं था, छोटे मोटे काम करता था वो। बट इट वॉज ओनली बाई अंडरटेकिंग एज मैनी एज 7 वियोगस, ठीक है, तो इसी क्रम में जो है उसने जो है 7 वियोगस, वियोगस का मतलब होता है जल यात्रा, वैसे इस वर्ड का मतलब आगे आपको जो है सवाल में भी मिलेगा, इसको समझना आपको है, इसका अर्थ पूछेगा कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। दैट ही वॉज एबल टू एक्वायर फेबुलस वेल्थ, ठीक है, तो वो अर्जित करने में, अच्छा धन अर्जित करने में जो है वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। इन वियोगस ही हैड टू फेस टेरिबल हार्डशिप, ठीक है, एंड डेंजर्स, जो यात्रा करता था उस दौरान उसको जो है बहुत सी टेरिबल हार्डशिप, डेंजर्स मतलब बहुत सी खतरे का भी सामना उसको करना पड़ता था, ठीक है। तो आप सभी को बताया, समुद्र में कभी अगर लहर आ जाती है, कुछ और हो जाता, तो बहुत से ड्रावने टेरिबल सब उसको जो है बहुत से कठिन जो है परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली हिज फादर वॉज ए रिच मैन एंड हैड लेफ्ट हिम ए लॉट ऑफ मनी, उसके पिताजी बहुत ही धनवान व्यक्ति थे, उसके लिए जो है पीछे बहुत सारा धन छोड़ के गए थे। बट सून आफ्टर हिज डेथ ही वेस्टेड ऑल हिज वेल्थ वेरी फूलिशली, ठीक है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण से उसने जो है उनका जो सारा धन था उसने जो है वेस्ट कर दिया। लेटर ही ज्वाइन ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, बाद में जो है उसने जो है मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी हैं उनके जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। एंड ही सेल्ड विद देम इन ए शिप, तो वो जहाज में उनके साथ में सामान बेचता था। तो ये सारा सेंटेंस आपने पढ़ा है कि यहाँ पे जो एक लड़का था जिसका नाम था सिंधबाद, और वो पहले क्या करता था कि उसके पिताजी ने बहुत सारा धन उसके लिए छोड़ के गए थे, तो वो उसको सारे को जो है अपनी जो फूलिशनेस अपनी गलतियों की वजह से जो है उसने सारा वेस्ट कर दिया, इधर उधर मतलब कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, कोई उसको पता नहीं था। फिर बाद में उसने जो है ग्रुप ज्वाइन कर लिया मर्चेंट्स का, और वो जो है पूरे दुनिया में सामान बेचता था। इस तरह से पहले उसके सपने बहुत कम थे कि मुझे बहुत कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन धीरे धीरे जो है उसका जो है सारा बिजनेस अच्छे से चलने लगा। तो इस तरह से कुछ बात हुई है, आप कभी को बस बहुत पूरा नॉलेज नहीं लेना है इसका, आपको जैसे रटना नहीं है, बस ब्रीफ में थोड़ा सा नॉलेज लेना है, आइडियाज लेना है। अब देखो यहाँ पे समझो, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वियोगस इन एज मेंशन इन द पैसेज, द ग्रेट रिवेंज, ठीक है, क्या ऐसा तो कुछ था, द ग्रेट रॉबरी,
ठीक है, ना तो रॉबरी की बात हुई ना कोई रिवेंज की बात हुई है ऐसे, तो सी जर्नी। अब देखिए मैंने वैसे समुद्र यात्रा आपको बता भी दिया था, लेकिन यहाँ पे जो है सी जर्नी से इसलिए है क्योंकि आपको पूरा पता है कि ये सेलर था, वो पूरा जो है यात्रा ही करता रहता था, तो और कोई मतलब यहाँ पे हो ही नहीं सकता था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास ना कि सिंधबाद फादर हैज बीन मेंशन इन द पैसेज, पैसेज में सिंधबाद के पिताजी कैसे थे? ए वेरी फुलिश मैन, बिल्कुल ऐसे तो नहीं थे। ए रिच मैन, बिल्कुल रिच मैन थे, उन्होंने जो है बहुत सारा पैसा छोड़ा था उसके लिए, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसका एक ही ऑप्शन दिख रहा है और आगे के ऑप्शन आगे मैं दिखाऊंगा आपको। हु डिड सिंधबाद ज्वाइन, ठीक है, हुम डिड सिंधबाद ज्वाइन आफ्टर लूजिंग हिज मनी, उसके पैसे को बर्बाद करने के बाद में उसने क्या किया था? ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, किसको ज्वाइन किया था? मर्चेंट्स, व्यापारी के ग्रुप को, तो यही इसका आंसर है। और इसके दो तीन ऑप्शन और हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो अगले पैराग्राफ में है। तो यहाँ पे से इनमें से तो कोई आंसर है नहीं, हिज फादर्स बिजनेस, पिताजी का कोई बिजनेस नहीं ज्वाइन किया था, रॉयल आर्मी भी नहीं और नन ऑफ दिस, ये भी नहीं, तो पहले वाला ही उसने आंसर सही होगा। ये सारा आपको मैंने करवा दिया। तो 20 क्वेश्चन थे, 20 मिनट में आपको सोल्व करने हैं, और देखिए वीडियो भी इत्तेफाक से 20 मिनट का ही अभी बन पाया इस टाइम, अभी 21 हो गया है। तो अभी आपने जो है सारा सोल्व किया, आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें मेरा तो मोटो होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने का, बाकी इतना टाइम लगने वाला भी नहीं चाहिए था। इसमें सिर्फ 15 मिनट का कंटेंट था जो आपको आसानी से सोल्व किया जा सकता था। कुछ लोगों को तो 15 मिनट में नहीं मिलेंगे अगर उनका वर्ड पावर अच्छा है तो। सो गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो वीडियो को लाइक तो करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना, और कोई समस्या हो और आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 20 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। इसके अलावा आपको चैनल पे किस तरह के वीडियोज़ चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आगे बनाने की, ठीक है। और सचिन सर की क्लासेज जो है कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ बची हुई हैं, वो भी जल्द पूरी हो जाएंगे, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सारा कंटेंट आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।